भागवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है। उसको ना तो हवा सुखा सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना आग उसको जला सकती है, ना तलवार उसको काट सकती है। तो एक सज्जन ने मुझसे एक बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसने मुझे पहले सोचने के लिए मजबूर कर दिया और वो शायद आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि जब आत्मा अमर है और ये कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा उसके शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा पर कोई प्रभाव किसी भी चीज़ का जब नहीं पड़ता है तो उसके व्यक्तिगत गुणों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो व्यक्ति मरा है। लेकिन जब वह आत्मा किसी और व्यक्ति के शरीर में जाती है तो वह आत्मा जो है वो दूसरे के शरीर के अनुसार व्यवहार क्यों करने लगती है? जो व्यक्ति मरा है उसके गुण या अवगुण जो नया व्यक्ति है उसके अंदर क्यों नहीं है? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है या कभी उठा है? तो देखिए, मैं इसका आंसर आपको बहुत सूक्ष्म में देना चाहूंगा। जिस प्रकार आपने कभी बिजली को देखा है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ दिखाई नहीं देती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अपने तारों में प्रवाह करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक ही रूप है, वो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लेकिन वो काम कैसे करती है, वो जिस चीज के साथ उसे जोड़ा जाता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। यदि वो बल्ब के साथ इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ोगे तो बल्ब रोशनी देने लगेगा, यदि आप पंखे के साथ उसको जोड़ोगे तो पंखा हवा करने लगेगा, अगर आपने एसी के साथ उसे इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिसिटी एसी के गुण देने लगेगी। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी होती है और आपने जिस चीज के साथ, जिस फिजिकल वस्तु के साथ आपने उसको जोड़ा, वह उसी के अनुसार काम करती है, अपने अनुसार कोई कार्य नहीं करती। इसी प्रकार इंसान के साथ या आत्मा के साथ होता है कि आत्मा जब किसी और के शरीर में प्रवेश करती है तो उसके शरीर के अकॉर्डिंग ही वो फिर अपना कार्य करती है, ना कि पिछले जो गुण अवगुण है उसके अनुसार।